शायद थिएटर से उतरेगी ही नहीं, ये चलती जाएगी। रणवीर सिंह तो हमेशा अच्छा होता है, आलिया भट्ट भी बहुत अच्छी होती है, पर ये पिक्चर में सब ने अच्छा काम किया है और हाईलाइट है धर्मेंद्र और शबाराज में। एंड ये जो है ये मेरी उम्र के लोगों को भी घसीटेगा ये पिक्चरों में, थिएटर में, और यंगस्टर्स को भी, और इट्स अ ट्रिब्यूट टू रियल लव। 8:10 5 में से 8:10 A bliss to Bollywood because he's just like made such a spectacular movie and I felt like, you know, crying. There were emotions, you know, literally when the Dharmendra, you know, there's some, I don't want to reveal a lot about it. When Dharmendra is there on screen and Shabana Azmi, Alia Bhatt, when she's raising concerns for a lot of, you know, important topics, Ranveer Singh for that matter, the culture differences and all, I think this movie is going to be a dhamakedar blockbuster on box office. The Jhumka song is lovely, but you should really hear Ray Kamlea song as well. And all the songs are way too good. The music is way too good. Even when the introduction of Ranveer is there and when Alia is coming, that music also which is running behind is way too good. I think in today's time we need movies like this because it talks about cultural differences and it also talks about embracing that culture, you know, accepting differences of culture. And I feel that iske through wo message zarur pahunchega. आउट 4.5 आउट ऑफ 5 एंड आई कांट देखो वो होंगे हाँ बहुत अच्छी लगी फिल्म, इट्स अमेजिंग, और करण जौहर का डायरेक्शन 10 साल बाद बहुत अच्छा है तो बहुत ही अमेजिंग फिल्म। उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, रणवीर सिंह की एक्टिंग बहुत अच्छी है, आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी है, दे आर अमेजिंग इन द फिल्म। बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी बहुत, एक चीज़ नहीं बोल सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिना स्पॉइलर दिए सीन्स बहुत अच्छे हैं, सीन्स बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ एकदम हार्ड हिटिंग है, मैसेज बहुत अच्छा है, जो भी पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस जाएगी होपफुली एंड आई एम श्योर बहुत अच्छी जाएगी। सॉन्ग्स तो हिट है ऑलरेडी, झुमका हिट है, तुम क्या मिले हिट है, सो इट्स वेरी नाइस। उनके बारे में तो कमेंट ही नहीं कर सकते, दे आर लेजेंड्स, बहुत अच्छे हैं। उनको स्क्रीन पे वापस देख के, एक नया अवतार में एक रेफरेंस देख के, उनके हिट डायलॉग्स और गाने के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आइकॉनिक है और वो तो लेजेंड्स है ही, तो कुछ ज़्यादा हम कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स डेफिनेटली 3.5। थैंक यू सो मच। गुड, वन टाइम वॉच अच्छी लगी, मतलब एक फैमिली के साथ आप देख सकते हो वन टाइम। दोनों अच्छे हैं, केमिस्ट्री दोनों की अच्छी जुड़ रही है, थोड़ा रणबीर लाउड था बट इट वॉज गुड, लाइक इट वॉज ओके। मतलब उन्होंने जो एक नॉन इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट लिया है मूवी में वो एक अच्छा प्रॉपर जा रहा है, और मतलब उसके साथ अच्छी कॉमेडी भी मैच हो रही है। वेल शी डिड, अब उन्होंने मतलब सी आफ्टर ऑल करण जौहर मूवी है और आलिया इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो अपने आप को उसमें बराबर सिमट लिया उन्होंने एंड इट्स अ वेरी वेल डन। कहीं ऐसे लगता नहीं कि शी इज़ अ नॉन बंगाली। एक वन टाइम वॉच है तो मूवी मैसेज जैसा कुछ है ही नहीं, एक फैमिली ड्रामा है जो एज यूजुअल होता है पिक्चर में बताया जाता है, बॉलीवुड में बताया जाता है, एंड इट वॉज वही सेम वैसे ही है। सी इट वॉज नॉट लिप लॉक, इट्स जस्ट स्मूथ केस था, इट्स नॉट अ कॉल्ड लिप लॉक। एक प्यार, एक हम बच्चों में भी देते हैं, किसी को मिलते हैं तब देते हैं या पुराने यार मिलते देते, बट आई वोंट से इट अ लिप लॉक, इट्स एक अच्छा था, मतलब एक
क्या बोलते हैं उसको, एक अपनापन दिखाया था। कुछ लगा ही नहीं मुझे, खाली सॉन्ग में तो मतलब ऐसा लगा था आधा आधा सॉन्ग था, लेकिन जैसे करण जौहर के यूजुअल मूवी में सॉन्ग अच्छे होते हैं, इसमें वैसे मुझे कुछ एक ही गाना जो था चार्ट बस्टर में था, वो कश्मीर में जो शूट किया था, दैट वाज अ वेरी गुड सॉन्ग। बिकॉज इसमें क्या है ना, बहुत से करण जौहर ने बहुत डायरेक्टर लिबर्टी ली है जो मुझे फ्रैंकली पसंद नहीं आया। आप एक्सीडेंट बताते हो और वहाँ पर कहीं कोई आता नहीं है और उनका लव सीन वहाँ पर हो रहा है, फिर अखाड़े में उन्होंने बताया कि अचानक से इतनी लड़कियाँ आके डांस करती है, मतलब वो तो ठीक है, एक पता नहीं एक लिबर्टी ले लिया उन्होंने, ठीक है, सो वन टाइम वॉच। या एक देखो, एक करण जौहर एक धर्मा प्रोडक्शन पिक्चर है तो नेचुरली लोग जाएंगे देखने के लिए, एक और वन टाइम वॉच, फैमिली विल एंजॉय द शो, इट्स नॉट दैट, इट्स अ फैमिली विल वॉच एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। फिल्म में एक्टिंग, डायरेक्शन, इंटरवल के पहले दो गाने अच्छे थे, व्हाट झुमका एंड तुम क्या मिले, जो कश्मीर में शूट किया था, और मुझे फिल्म में दूसरा हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, जब एक दोनों जन एक दूसरे के घर पे जाते हैं टू चेक द बैकग्राउंड, बहुत अच्छी रही। गली बॉय के बाद दोनों को साथ में देख के बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। आलिया भट्ट का काम ज़्यादा अच्छा लगा, रणवीर सिंह का भी काम अच्छा लगा, ही इज़ वेरी एक्सेलेंट इन इमोशनल एंड कॉमेडी सीन्स। सीनियर एक्टर्स का भी काम बहुत अच्छा लगा मुझे, धर्मेंद्र का काम मुझे मज़ा आया था फर्स्ट हाफ में। वेरी फनी, द हाईलाइट ऑफ द मूवी आई शुड से, 3.5 स्टार। फिल्म थोड़ी लेंदी है, कुड हैव बीन मच बेटर ऑल्सो, पुराने गाने इतने भरे ना। अच्छी है, बढ़िया है, टाइम पास है, अच्छी केमिस्ट्री है, थोड़े बोर्ड सीन और दिए गए करण जौहर ने, थोड़ा मूवी को देख के लगता है कि पुराना ट्रेंड जो था, पुराना एक दौर था फिल्मों का, यश जी का, करण जौहर की फिल्मों का, और शायद वापस आ गया। नया तो आप इसमें कुछ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैसेजेस अच्छे हैं, अच्छा संदेश है। नहीं, ये अपने धर्मपाल जी, शबाना जी, जिया जी, उनको दोबारा स्क्रीन में देखेंगे, बड़ा अच्छा मौका करण जौहर ने दिया। मतलब वो आजकल के वक्त के हिसाब से थोड़ी बोल्डनेस दिखाने की कोशिश करी गई है। अच्छे हैं, पुराने गानों को अच्छा इस्तेमाल किया गया है, उसको स्टोरी से अच्छा रिलेट किया गया है। 3 दे देंगे। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है, और ये करण जौहर की 25th एनिवर्सरी में उनका एक तरह से कमबैक बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्शन बहुत दिनों बाद किया है इन्होंने, मतलब ये उनकी काफ़ी समय बाद उन्होंने डायरेक्शन में का वापस हाथ में लिया है। ही हैज़ रियली डन अ वेरी गुड जॉब, द ओल्ड सॉन्ग्स is a real mix for the audiences, you know, and even the younger generation will like it. The story is very family oriented, very entertaining, it has comedy and everything in it, you know. Ranveer and has done a wonderful performance, you know, it is very difficult to perform this kind of a character, you know. डब्बू बने हैं जैसे पंजाबी लोग रहते हैं ना, ढाक जैसे पंजाबी होते हैं, फिर बाद में उन्होंने जो तड़का लगाया और उनकी एक्टिंग, कॉमेडी, इमोशनल बहुत ही बढ़िया है। जहाँ तक म्यूज़िक की बात करेंगे, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा, हालांकि इतने सारे गाने हैं लगेगा कि क्या यार इतने सारे गाने होंगे, हर गाने में लार्जर देन लाइफ सॉन्ग्स हैं, लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंस है। आलिया और रणवीर हैज़ परफॉर्म्स वेरी वेल, और इसमें आपको एक बहुत ही पुराना जो एक्शन हीरो साहब है ना हमारे धर्म साहब,
वो देखेंगे जो एकदम रोमांटिक हीरो के रूप में नज़र आए हैं और एक फैमिली को किस तरह कौन सी चीज़ें जोड़ के रखती हैं। दो कल्चर्स दिखाए हैं इन्हें, बंगला कल्चर दिखाया है और पंजाबी कल्चर दिखाया है। तो बंगाली लोग बहुत ही ऑथेंटिक और बड़े कल्चरली होते हैं, बड़ा सिस्टमैटिक होते हैं, और पंजाबी लोग बड़े मतलब बेधड़क जो मन में आए बोल देते हैं वो दिखाया है। लेकिन बाद में दोनों का मिक्स जो होता है बहुत ही बढ़िया है। आलिया ने तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, चाहे वो डांस हो चाहे वो बंगाली कल्चरल किस तरह कैरी फॉरवर्ड करना है। और जया बच्चन भी आपको एक बहुत ही नए रूप में देखेंगे, आपने उन्हें बहुत ही पॉजिटिव रूप में देखा लेकिन इसमें आप उनको नेगेटिव रूप में देखेंगे, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। जहाँ तक स्क्रीन प्ले का सवाल है, बहुत अच्छी टाइट स्क्रीन प्ले है, डायलॉग्स डायलॉग मिक्स है और कॉमेडी भी है और बहुत अच्छे डायलॉग्स है, और रणवीर के जो अंग्रेज़ी बोलने का ढंग है वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। दोनों फैमिली के जो मिक्स है बहुत अच्छी कहानी आपको जाके देखनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर जाके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म। हाँ, कभी कभी ओवर द टॉप लगता है कि क्योंकि काफ़ी इन्होंने ना टेलीविजन आर्टिस्ट भी नहीं है, तो ऐसे लगता है कि ये थोड़ा सा हम टेलीविजन देख रहे हैं और कभी कभी ओवर द टॉप भी लगता है, लेकिन ऑल इन ऑल इट इज़ अ रियली सुपर फिल्म जो हम देखना चाहेंगे। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस जैसा कि हम कह रहे देख रहे हैं कि इतना अच्छा नहीं कर पाई है, मगर ये सुपर डुपर फिल्म करनी चाहिए और ये सिंगल थिएटर में भी काफ़ी चलेगी ये फिल्म, क्योंकि पुरानी एंटरटेनमेंट वैल्यू लेके आ रही है। और इसको मैं 4 मार्क्स देना चाहूँगी। देखिए बेस्ट सीन मैं बताऊंगी नहीं किसको बॉडी शेम करते हैं, वो लड़की जिसको बॉडी शेम करते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उस एक्ट्रेस का भी, आपको देखना पड़ेगा। उसको बॉडी शेम करते हैं और बाद में जो निकल के आती है ना, और वो जो तड़क भड़क करके जब उसको लड़का देखने आते हैं ना, अच्छे से उनको लड़के वालों को अच्छा समझा के भेजती है ना, वो बहुत अच्छा सीन है। और फिर बीच में जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और ये स्पॉइलर नहीं है तो अब मैं बोल सकती हूँ कि रणवीर कपूर रणवीर सिंह और जो उसके फादर बने में उन दोनों का जो डांस है ना, डोला रे डोला वे, दैट इज ऑल्सो किक एस डांस। मैं इस फिल्म को 4 देना चाहूँगी, 5 मिस, थैंक यू। हाँ, वही मैंने कहा ना, धर्म साहब एक्शन हीरो माने जाते हैं, मगर इस फिल्म में वो रोमांस में भी वो अव्वल फिल्में कर चुके हैं, लेकिन इसमें उनका जो रोमांस का तड़का है ना, वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से भी सुपर डुपर है, मगर वो ट्विस्ट देखना पड़ेगा कि एक शादीशुदा आदमी का और ये एक शादीशुदा औरत का रोमांस क्यों और कैसे होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। मैंने 4 में से 5 दे दिया, थैंक यू। मैं फिल्म देखी, फिल्म इंटरटेन है, रणवीर और आलिया की केमिस्ट्री है, दोनों का फुल ऑन रोमांस है, इंटरटेनमेंट है, प्लस जया जी उनका जो एंग्री लेडी का जो बताया है उनका परफॉर्मेंस बहुत बेटर लगा, काफ़ी टाइम बाद आई, प्लस सवाना जी और इधर बिग जी के धर्मेंद्र सर काफ़ी टाइम बाद साल बाद आए, लेकिन आने के बाद में अलग ही रंग उनका मतलब दिखा है कि एक्चुअली इमोशनली है, रोमांस भी दिखाया उनका, 80s का 70s 80s का टाइम भी दिखाया उनका, अमेजिंग। देखो रणवीर का तो है, रणवीर को आप देखो उसकी एंट्री इतनी हार्ड बताइए कि लोग सीटी ताली तो बजाएंगे बजाएंगे, और दोनों का परफॉर्मेंस, दोनों का रोमांस, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। रणवीर का तो आप अगर देखेंगे तो उसका इस तरीके से उसने बताया जैसे बैंड बाजा बारात या फिर किल्ली जो उस तरीके की फिल्म आई थी उस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, और दोनों की केमिस्ट्री अच्छी रही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि जो इंग्लिश बोली है ना रणवीर ने, ओहो अमेजिंग, ऑडियंस को पसंद आएगी। गाने देखो, फर्स्ट गाने से स्टार्ट होता है, उसमें भी दो तीन एक्टर्स को एज एन कैमियो दिखाया है, पहला गाना लोग देखेंगे तो उनको मज़ा आएगा, बाकी और भी जो सारे गाने हैं तुम जो मिले ढिंडोरा और प्लस ये तो सारे गाने अच्छे हैं, गाने लोगों को पसंद हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई उन्होंने रोमांस दोबारा पैदा कर दिया सर तो वैसे ही रोमांटिक सर हैं, मतलब धर्म सर रोमांटिक हैं वैसे भी, तो उन्होंने इसमें भी अपना पूरा फुल ऑन रोमांस दिखाया है।
वो एक्चुअली इमोशनल में जाएंगे तो एक फैमिली के टाइम का एक सीन आता है जिसमें जब धर्म सर अपने बेटे को बुलाते हैं तो उनको फील होता है कि इतने साल बाद मेरा नाम मतलब दिया है, तो एक उस रिलेटेड एक फील करेगा, मतलब उस पार्ट में आने के बाद में ऑडियंस को कुछ फील आएगा, एक फैमिली ड्रामा आएगा। नहीं तो एक सीन था जिन मैं फर्स्ट पार्ट का बताता हूँ कि जब उनकी आलिया के फादर होते हैं वो डांस करते होते हैं, एक कॉमेडी थी रणवीर आता है कि क्या हो गया पापा को, उनके अंदर माधुरी घुस गई, माधुरी आ गई, तो अमेजिंग सीन, फुल ऑन कॉमेडी। मैं 5.5 से 3.5 देना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है ना, करण सर का काफ़ी टाइम बाद उनके डायरेक्शन में फिल्म आई है, और उससे पहले जो फिल्में जैसे कुछ कुछ होता है, कभी कुछ कभी, इस तरीके की फिल्में, म्यूजिक होता है, कहानी रही है, तो हम ऐसे बोलते ना छू के जलती है, फील कराती है, बट इसमें जो है म्यूजिक है, सब कुछ है बेटर, पर उस तरीके का फील नहीं आया है, तो बीच में भी स्टोरी वाइज भी कहीं अप डाउन रही है, तो इसलिए 1.5 उसको मैं माइनस कर रहा हूँ, इसलिए 3.5 दे रहा हूँ। देखो सर, आजकल का जो टाइम है ना, बहुत सारी ऑडियंस जो ऐसी हो गई, किसी को मतलब मास मूवी पसंद है, किसी को फुल ऑन कॉमेडी मूवी पसंद है, इस तरीके का सब्जेक्ट काफ़ी टाइम बाद आया है, और अभी इतनी सारी फिल्में आ रही हैं जा रही हैं, आपको तो पता ही, बस ये कि लोगों को पसंद आ जाए। मैं तो सजेस्ट करूँगा एक बार ज़रूर देखेंगे, एटलीस्ट वैसे नहीं तो रणवीर आर्या के लिए जाएंगे लोग, धर्म सर हैं, जय जी, इन सब के लिए जाएंगे, और करण जौहर का, करण सर का इतने टाइम बाद डायरेक्शन आया तो उसके लिए पब्लिक जाएगी, क्योंकि उनकी फिल्में तो वैसे ही लोग पब्लिक देखती देखती है। ओके, मेरी ओला आ गई है नीचे, नहीं देखो ना ओला आ गई है नीचे। मुझे बहुत अच्छी लगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, बहुत दिनों के बाद जो हमको एक बॉलीवुड सिनेमा देखने के लिए मिला है, और मज़ा आ गया देख करके, कि अच्छा लगा कि मतलब जो है कि हम नाच गाना, फैमिली ड्रामा, रोमांस, स्वैग, रूठना मनाना, वो सब चीज़ें हम देख पाए। बहुत अच्छी लगी है, इनफैक्ट ये केमिस्ट्री जो है वो ट्रेलर और टीज़र में ही नज़र आने लगी थी, लेकिन फिल्म में बहुत अच्छे से दोनों ने निभाया है, दोनों बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आलिया गंगूबाई होने दीजिए या हाईवे होने दीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और रणवीर जो कहते हैं ना कि एक अपने पुराने अंदाज में नज़र आए हैं, जिस अंदाज में उनकी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी एनर्जी के तो क्या कहने हैं, उनका पूरा जो वार्डरोब है वो तो ऐसा लगता है कि आलिया और रणवीर का वार्डरोब चुरा लेना चाहिए। जी, दोनों बहुत ही क्यूट थे, रणवीर को पंजाबी में हमने बहुत बार देखा है लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छे लगे हैं, बंगाली में बहुत, आलिया भट्ट ने, मैं इतना बंगाली नहीं जानती हूँ लेकिन जो भी हम सुन रहे थे वो बड़ा मीठा मीठा लग रहा था। बिल्कुल, धर्म जी मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर रहे हैं, उनको इतने टाइम के बाद इतनी इमोशनल और शायर के रोल में देखना, वो आप लोगों को बता दूँ जो सुन रहे हैं, वो असल ज़िंदगी में भी रियल शायर हैं, वो शायरी करते हैं, तो उन्होंने उस रोल को बहुत ही प्यारे से निभाया है। जया मैम की तो क्या ही कहने, मतलब उन्होंने ऐसा लगा कि उन्होंने अपने रोल को पूरी तरह से न्याय दिया, और एंड तक, मतलब जब तक क्लाइमेक्स नहीं होता तब तक उनसे नफरत होने लगती है। शबाना जी तो बहुत अच्छी अदाकारा हैं ही, सीनियर एक्टर कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है, ये आपको कल NBT में देखना पड़ेगा। थैंक यू। हाय, मैं हूँ नमस्क, ये कौन सा वायरल बॉलीवुड? हाय, मैं हूँ सिद्धार्थ कनन ऑन वायरल बॉलीवुड। देखिए, इस फिल्म में आप रोते हैं, आप हंसते हैं, आप कूदते हैं, आप डांस करते हैं, आप चीखते हैं, क्योंकि करण जौहर आपको इतने सारे इमोशंस एक साथ देते हैं फिल्म में। रणवीर सिंह आलिया भट्ट की केमिस्ट्री इज फिनोमिनल, लगता है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। बट सरप्राइज पैकेज है शबाना आजमी और धर्मपाल जी की केमिस्ट्री। कभी कभार आपको लगता है कि धर्मपाल जी और शबाना जी आर एक्चुअली द मेन हीरो हीरोइन। जया जी ने क्या इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया है, बट इस फिल्म में ऑब्वियसली करण जौहर की छाप है, राइट? ग्लॉस है, कलर है, वो सारा तामझाम है जो आपको हर करण जौहर की फिल्म में मिलता है, पर इसमें वो आपको लाइफ लेसन्स देते हैं, वो सारे रूल्स जो आप जिंदगी भर फॉलो करते आए या शायद फॉलो करते आए, उसको कैसे वो तोड़ते और बोलते हैं एक्सप्रेस करो अपने आप को, तो उस लाइफ लेसन्स के बारे में आप सोचते हैं। एंड रणवीर सिंह पर आप हंसते हो, उनके साथ आप हंसते हो, बट जब वो बंदा रोता है आप रोते हो उनके साथ। और आलिया भट्ट इज रानी, लगता है कि रानी ही आलिया भट्ट है। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, आलिया भट्ट प्रूव्स कि इस जनरेशन की फाइनेस्ट एक्ट्रेस
आलिया भट्ट है, हर फिल्म में वो कैरेक्टर में घुस जाती हैं. सो आई वुड गिव इट 4 out of 5 स्टार्स. आई एम सिद्धार्थ कनन एंड आई एम ऑन वायरल बॉलीवुड. देखिए दोनों ने कैसे आपको बिलीव करवाया कि वाकई में आलिया बंगाली है और वाकई में रणवीर सिंह पंजाबी है. बट इफ़ यू आस्क मी, मुझे रणवीर सिंह की जो दिल्ली वाला एटीट्यूड था, पुरानी दिल्ली वाला, वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो ऑब्वियसली ओवर द टॉप था और वो सारी चीज़ों के साथ आप बहुत रिलेट भी करते हैं. और वो कभी कभार ऐसे ऐसे पंचेज मारते कि आप गिर जाते हो कुर्सी से. बट आलिया भट्ट वॉज ऑल्सो फेनोमिनल. थैंक यू मेरे भाई, ख्याल रखो अपना. रेडी. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये जो फिल्म है ये साबित करती है कि करण जौहर हमें याद दिलाने आया है कि बॉलीवुड और बॉलीवुड में लव स्टोरीज को कैसे पेश करना चाहिए, एक फिल्म में कैसे दर्शकों को कैसे हंसाना चाहिए, कैसे रुलाना चाहिए, कैसे उनको डीपली फील करना चाहिए, कैसे उनको अपने परिवार से दोबारा प्यार करवाना चाहिए और कैसे उनको अपनी खुद की रोमांटिक लव याद दिलाना चाहिए. ये करण जौहर ही ऐसा कर सकता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो कहता हूँ उनकी फिल्मोग्राफी में कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी कम, माय नेम इज़ खान, कल होना हो, और फिर ये फिल्म ए दिल मुश्किल, कभी अलविदा ना कहना, इन फिल्मों स्टूडेंट ऑफ द ईयर से तो डेफिनेटली उन फिल्मों से काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव फिल्म भी है. काफ़ी चीज़ें ऐसे यू नो ऐसे स्टोरी के अंदर बिना प्रीच करके अच्छे से स्टोरी में घुल मिलाया गया है कि कैसे यू नो लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए. और ख़ास करके ये मैसेज ना उन सारे कंटेंट, सो कॉल कंटेंट और आर्ट फिल्म मेकर्स के लिए है कि कैसे इंटरटेनमेंट के साथ, मसाला के साथ आप लोगों को एक खूबसूरत मैसेज पहुँचा सकते हो. देखिए मैसेज के बारे में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर 4 लोगों तक मैसेज पहुँचती है ना, बात बन जाती है. क्योंकि ये मैसेज ऑब्वियसली फिल्म मैसेज के लिए नहीं देखते और हमारा देश ऐसा है कि लोग बदलना भी हमेशा चाहते नहीं है, लेकिन 4 लोग बदल गए, बात बन गई. अरे धर्म जी, थैंक यू करण जौहर कि धर्मेंद्र को आपने इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद इतना कमाल का रोल दिया कि हम पूरे इंडिया फिर से याद करेगी कि हम धर्मेंद्र जी से इतना प्यार क्यों करते हैं और पूरे इंडिया ये भी याद करेगी कि धर्मेंद्र जी माचो मैन होने के साथ साथ उनका कितना शायराना अंदाज भी है, कितने हैंडसम आदमी है. उनका केमिस्ट्री शबाना आजमी जी के साथ, रणवीर और आलिया की केमिस्ट्री से मुझे अच्छी लगी. विद नो डिसरिस्पेक्ट टू रणवीर आलिया, रणवीर और आलिया इज़ टू गुड, लेकिन धर्मेंद्र जी और शबाना आजमी जी क्या बात है. आउट ऑफ 5 विदाउट डाउट 4 स्टार, पूरी फैमिली फिल्म है, कमाल की फैमिली फिल्म है, 4 स्टार फिल्म है, जाके एंजॉय कीजिए. वेलकम.